हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जो हमारा बीएससी थर्ड ईयर में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है वो पर्टिकुलरली हम लेके चल रहे हैं। तो ग्लूकोज में हमने कहाँ तक कवर कर लिया? ग्लूकोज में हमने ओपन चैन स्ट्रक्चर देख ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर देख ली, उसके बाद हमने ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन देखा है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इंटर कन्वर्जन है वो हमने लास्ट तक किया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन कर लिया और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन कर लिया, यानी कि यहाँ पे हमने इंटर कन्वर्जन कौन सा किया है? फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन किया है। ठीक है, हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन किया है। कार्बन नंबर है वो ग्लूकोज में भी 6 ही था और फ्रक्टोज में भी 6 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी जो हम इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे चैन लेंथनिंग, और या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग इन एल्डोज। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी, जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज लें, ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, या फिर 5 कार्बन वाला ले सकते हैं, और उसे हम नेक्स्ट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि एक जो कार्बन एटम है वो हमें इंक्रीज करना होता है यहाँ पे। ठीक है, चैन लेंथनिंग यानी कि पहले जो चैन है अपनी कार्बोहाइड्रेट की, उसे एक कार्बन उसमें एक्स्ट्रा होने वाला है, तो ये हमें यहाँ पे करना है। तो इसके लिए हमें करेंगे क्या, यहाँ पे किलियानी मेथड किलियानी सिंथेसिस करेंगे, और किलियानी सिंथेसिस के बारे में देखिए, मैंने थोड़ा सा जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई थी HCN के साथ ओपन चैन स्ट्रक्चर में किया था ना, कि कौन कौन से ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने अलग अलग रिएक्शंस कराई थी, जिसमें से कुछ रिएक्शन थी जैसे ऑक्सीडेशन कराया था, ठीक है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कराई थी, HCN के साथ रिएक्शन कराई थी, तो ऐसे करके हमने वहाँ पे आई थिंक 4 या 5 रिएक्शंस की थी। तो वहां पे उस टाइम पे मैंने बताया था कि HCN के साथ जब भी रिएक्ट कराते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट को, तो वहां पे एक कार्बन नंबर है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है, और जो बनने वाले स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, साइनोहाइड्रिन होती है। तो वहां पे हमने सिर्फ साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन की थी। अब साइनोहाइड्रिन से नेक्स्ट यहाँ पे किस तरह से दूसरा जो अपना एल्डोज है वो बनेगा, यानी कि एक कार्बन कम से एक कार्बन ज्यादा वाला जो एल्डोज है वो किस तरह से फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो कौन सा रखेंगे, देखिए क्वेश्चन है वो कितने तरीके से पूछा जा सकता है, पहले तो वो देखिए, चैन लेंथनिंग इन एल्डोज पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर असेंडिंग इन एल्डोज पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कन्वर्जन ऑफ डी अरेबिनोज इनटू डी ग्लूकोज पूछा जा सकता है, या फिर नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, कन्वर्जन ऑफ एल्डो पेंटोज इनटू एल्डो हेक्सोज। एल्डो पेंटोज दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 5 है। एल्डो हेक्सोज दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितना है, 6 है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है डायरेक्टली किलियानी मेथड। तो इतने वे में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अब चलिए चलते हैं अपने रिएक्शन पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, चैन लेंथ करनी है, यानी कि जो हमारा कम कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, कम कार्बन वाला एल्डोज है, उसे हम ज्यादा कार्बन वाले एल्डोज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एल्डोज ही हम कम कार्बन वाला लेके चलेंगे, और जो फोम होगा वो भी एल्डोज ही होगा, यानी कि बनने वाला कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल उसमें भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है वो होने वाला है। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है। रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे रखा हुआ एल्डो पेंटोज। देखिए ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ने के बाद इतना आप तो फैमिलियर हो चुके हो कार्बोहाइड्रेट से कि बार बार ये जो चीजें हैं ये आई थिंक खोल के लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ज्यादा खोल के लिखेंगे तो बोर्ड पे ज्यादा स्पेस की नीड होती है। तो यहाँ से देखिए करना क्या है, हमने लिया हुआ एल्डो पेंटोज। अब एल्डो पेंटोज देखिए कोई भी चीज होती है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, अपना जो कार्बन नंबर 1 है उस पे तो कौन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसके बाद ये वाले जो 3 कार्बन है CHOH, ठीक है, इतना चीज समझ आती है। यहाँ पे थ्राइस लगाया हुआ है, दैट मीन्स कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ पे हो गए, 1 कार्बन यहाँ पे हो गया, 4, और ये जो 5th कार्बन है ये अपना होता है CH2OH की फॉर्म में। तो इस तरह से हमने 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे रखा है, और 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को हम कहते क्या है, एल्डो पेंटोज कहते हैं। अब यहाँ पे एल्डो पेंटोज का हमें पता है, ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे जो इसका ओरिएंटेशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिसाइड करते हैं कि ये अपना अरेबिनोज होता है या फिर कोई अदर होता है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 का भी मैं यहाँ पे एक बार के लिए थोड़ा सा और खोल के लिख के बता देती हूँ कि कार्बन नंबर 2 पे अरेबिनोज में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हमने ले लिया अपना CHO। ठीक है, CHO लेने के बाद कार्बन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो यहां से देखिए CHOH 2 3 4 CH2OH।
ठीक है, चीज समझ आई। ये होता है अपना डी अरेबिनोज का, यदि हम ओपन करके लिखें इस वाले स्ट्रक्चर को, तो यहां से हमें क्या चीज देखनी होती है, कार्बन नंबर टू को देखना होता है। कार्बन नंबर टू पे क्या है, कार्बन नंबर टू पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड होता है डी अरेबिनोज में। सिर्फ आपको इतना यहाँ पे करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहां से ये हो गया अपना डी अरेबिनोज। अब डी अरेबिनोज है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे दो सुगर्स में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और मैनोज में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें रिएक्शन करानी HCN के साथ। HCN के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो HCN किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में ब्रेक होगा प्लस CN नेगेटिव में ब्रेक होगा, ठीक है। इसी तरह से ब्रेक होता है HCN। अब H पॉजिटिव है वो कहां पे जाएगा, देखिए H पॉजिटिव यहां से ये वाला जो कार्बोनिल का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा अपना H पॉजिटिव और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा CN नेगेटिव। तो यहां से देखिए बनेगा क्या, ये अपना कार्बन नंबर 1 था, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसे क्या मार्क कर रही हूँ, कार्बन नंबर 1, ये अपना कार्बन नंबर 1 था। कार्बन नंबर 1 पे जो सी डबल बॉन्ड ओ था हमने उसे ब्रेक किया और कन्वर्ट किस में कर लिया, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद एक हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे और एक साइनाइड है वो यहाँ पे आके जुड़ गया, लेकिन अब ये कार्बन नंबर 1 नहीं रहा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे आ गया ना, तो अब भी ये कार्बन नंबर 1 हो गया और ये हो गया कार्बन नंबर 2। तो चीज समझ आती है, यहाँ पे ये हो गया कार्बन नंबर 2 और सारा का सारा जो खेल है वो यहीं से शुरू होता है। क्योंकि देखिए जब भी हम एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर लेते हैं हाइड्रोक्सिल में, तो यहां से दो पॉसिबिलिटी होती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक कार्बन से कन्वर्ट किसमें हुआ है, एसिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हुआ है। यहां पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स यहाँ पे चारों वैलेंसीज हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही हैं। तो ये वाला जो कार्बन है ये अब क्या हो गया, एसिमेट्रिक सेंटर हो गया, काइरल कार्बन हो गया। अब इस काइरल कार्बन पे ओरिएंटेशन के डिफरेंस की वजह से यहाँ से अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, ये जो अपना कार्बन नंबर 2 है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ इसी पे चेंज होगा, बाकी जो पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो एज इट इज चलेगी। तो यहां से देखिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक बार के लिए तो ये वाला हाइड्रोक्सिल है ये आ जाए राइट साइड पे, ठीक है। सेकंड टाइम के लिए वाला हाइड्रोक्सिल है ये कहां पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाए, होती है पॉसिबिलिटी। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज हमने कहां की थी, जब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ी थी, तो उस टाइम ऐसा कुछ इंटर कन्वर्जन है वो हमने किया था कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट किया था जो कि एसिमेट्रिक कार्बन होता है। और इस एसिमेट्रिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ओरिएंटेशन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो बोल सकते हैं कि प्रेजेंस होती है वो कौन से साइड पे होगी, यही डिसाइड करती है कि ये कौन सा यहाँ से आइसोमर होता है, ठीक है। तो जब देखिए राइट साइड में हाइड्रोक्सिल होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, अल्फा आइसोमर बोलते हैं, और जब लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, बीटा आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। अब ये है अपना क्या, साइनोहाइड्रिन है। जब कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड में हाइड्रोक्सिल है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अल्फा साइनोहाइड्रिन बोलेंगे, और जब लेफ्ट साइड में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तब हम इसे क्या बोलने वाले हैं, बीटा साइनोहाइड्रिन बोलने वाले हैं। तो ये होता है यहां से कि दो आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है जब एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है एसिमेट्रिक सेंटर में काइरल कार्बन में, तो यहां से दो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं, अल्फा साइनोहाइड्रिन एंड बीटा साइनोहाइड्रिन। अल्फा साइनोहाइड्रिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड होता है, बीटा साइनोहाइड्रिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब दोनों ही हैं वो अलग अलग सुगर्स की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। एक से यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, दूसरे से यहाँ पे मैनोज बनेगा। तो हम एक एक करके दोनों की रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है। पहले हम करा लेते हैं यहाँ पे अल्फा साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन। तो अल्फा साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन कराएंगे तो देखिए अभी हमारे पास क्या आ गया, साइनाइड आ गया। अब साइनाइड आ गया तो साइनाइड, ठीक है चलो एक कार्बन तो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। और एल्डिहाइड ग्रुप कैसे आए, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कराना होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एक बार के लिए इतना बना कि आप भूल जाइए कि सामने कुछ और भी बना है, पहले हम एक की रिएक्शन कर लेते हैं देन हम दूसरे की रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस सिर्फ किसका करा रहे हैं, अल्फा साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब यहां से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन से ग्रुप का होगा, फंक्शनल ग्रुप का ही होगा ना, और फंक्शनल ग्रुप इस टाइम यहाँ पे कौन सा है, साइनाइड है, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और जब भी आप कभी हाइड्रोलिसिस कराते हो साइनाइड का, तो ऑलवेज फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। ये चीज अच्छे से माइंड में बिठा लेना,
कि जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है और अमोनिया गैस का इवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, एक बारी के लिए मैं पूरी जो मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, इसके हाइड्रोलिसिस की भी अभी के लिए स्पेस नहीं है। ठीक है, देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। लेकिन इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस से जो अपना साइनाइड था उसे कन्वर्ट किसमें कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना होता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 का जो ओरिएंटेशन है हाइड्रोक्सिल का वो ध्यान में रखना होता है। ठीक है, बाकी तो देखिए नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है वो तो एज इट इज ही बनी हुई है। ठीक है, नीचे वाले स्ट्रक्चर है वो तो एज इट इज बनी हुई है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहां से देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहां से देखिए जब हाइड्रोलिसिस कराया हमने तो फॉर्मेशन किसकी हो गई, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, कार्बन नंबर 6 पे अपना क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, जो चार कार्बन हैं उन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए और कार्बन नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तो हमने बाय द हाइड्रोलिसिस अल्फा साइनोहाइड्रिन को कन्वर्ट किया ग्लूकोनिक एसिड में। अब ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोनिक एसिड से और हम किस तरह से ग्लूकोज तक पहुंचते हैं, ये चीज हमने फ्रक्टोज के इंटर कन्वर्जन में पढ़ी है कि हम फ्रक्टोज को किस तरह से इंटर कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। लेकिन फिर एक बार यहां से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। तो यहां से देखिए अपने पास क्या है, कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, 6 कार्बन की अपने पास चैन है। अब 6 कार्बन में से हमें कौन सा कार्बन चाहिए, तो देखिए यहां से ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। एक बार मैं इसे थोड़ा सा खोल के लिखती हूँ। ठीक है, कार्बन नंबर 2 हो गया, देन ये अपना कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 दैट मीन्स कौन सा कार्बन, कि ये वाला कार्बन। ठीक है, कार्बन नंबर 1 कौन सा है, जो साइनाइड से आया है। कार्बन नंबर 2 कौन सा है, जो अरेबिनोज के एल्डिहाइड ग्रुप से बना है। और बाकी जो नीचे के कार्बन हैं वो तो आपको एज इट इज यहां से उठा के रख देने हैं। नीचे का जो पूरा ग्रुप है अरेबिनोज का वो देखिए, ये जो चार कार्बन हैं ये बाकी यहाँ पे ऐसे कैसे आएंगे। तो यहां से समझ आता है कि क्यों कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो इस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, अरेबिनोज से होती है। और अरेबिनोज में कार्बन नंबर 2 जो होता है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, और अरेबिनोज का कार्बन नंबर 2 है वो ही ग्लूकोज का कार्बन नंबर 3 होता है। ठीक है, समझ आई चीज यहां से, कि नीचे का जो स्केलेटन है सिर्फ ये दो कार्बन है, ये आपको चेंज करने हैं, बाकी नीचे का है वो चार कार्बन है, वो आपको एज इट इज डी अरेबिनोज वाले उठा के रखने हैं। ठीक है, तो चलो रख देते हैं। नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, अपने पास ग्लूकोनिक एसिड आ जाता है, तो हम इसे हीट करते हैं, और हीट करेंगे तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और गामा लैक्टोन के केस में हम कितने मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, तभी तो अपना गामा लैक्टोन हुआ। ठीक है, यहाँ से 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन नहीं करनी होती, क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होती है। देन देखिए हम यहाँ से इसको हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो यहां से -H2O होगा। अब -H2O होगा किस तरह से, तो देखिए उसके लिए भी मैं आपको बताती हूं कि किस वे में यहां से H2O का जो इवोल्यूशन है वो होता है। ये अपना क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप हुआ, तो यहां से तो देखे जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और देन ये अपना कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 से कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, यहां से तो गया हाइड्रोक्सिल और यहां से गया हाइड्रोजन, यानी कि यहां से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा। यहां से हाइड्रोक्सिल जाने के बाद कार्बन पे चार्ज कौन सा बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यहां से हाइड्रोजन जाने के बाद ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। और यहां से देखना है, देखिए 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे नंबर 1 मार्क करेंगे, क्योंकि हेट्रो एटम को ही हमेशा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे, बाकी के जो 4 कार्बन एटम्स हैं उनसे अलग है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। तो हेट्रो एटम है उसे हमेशा नंबरिंग फर्स्ट मिलती है। देन ये अपना कौन सा हो गया, 2 3 4 5, समझ आ रही है, 5 मेंबर रिंग की यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, गामा लैक्टोन हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाला, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है, नेक्स्ट बीटा कार्बन और नेक्स्ट गामा कार्बन। तो गामा लैक्टोन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
साइक्लिक एस्टर को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये चीज भी मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करो कि कभी इलेक्ट्रॉन कभी साइक्लिक एस्टर, क्योंकि साइक्लिक एस्टर बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो सेम ही बात होती है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, देन हम इसका कराएंगे रिडक्शन सोडियम अमलगम एंड HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। सोडियम अमलगम और HCl की प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन कराएंगे इसका, तो रिडक्शन किस तरह से होगा, सिंपल से आपको क्या करना है, रिंग को ब्रेक करना है। रिंग को ब्रेक करोगे, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ जोड़ दो। नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन आ गया, ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, तो देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये अपना कन्वर्ट किस में होगा, CHO में कन्वर्ट होगा, और वही तो हमें चाहिए। बाकी तो अपने पास नीचे का जो स्केलेटन है वो तो बना पड़ा है 5 कार्बन का, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप चाहिए, और वो हमें मिल गया तो बन गया काम अपना। तो देखिए यहां से क्या हुआ कि ये जो कार्बन नंबर अपना 1 है इस पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आ गया। देखिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि कभी कार्बन नंबर 1 कभी कार्बन नंबर 2, क्योंकि नंबरिंग है वो हम अकॉर्डिंग टू कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है। चैन का तो ये कार्बन नंबर 1 ही है ना, तो कार्बन नंबर 1 पे आ गया अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप, नीचे है अपने पास 4CHOH और नेक्स्ट है अपना CH2OH, और ये वाली स्ट्रक्चर है ये किसकी होती है, ग्लूकोज की होती है। अब हमें कैसे पता ग्लूकोज की होती है, तो चलो इसे ओपन करके लिख लेते हैं कि कैसे मान लें कि ग्लूकोज की होती है। हाँ ये चीज तो मान सकते हैं कि एल्डो हेक्सोज होता है। क्यों होता है एल्डो हेक्सोज, क्योंकि 6 कार्बन यहाँ पे आ गए, 6 कार्बन। हेक्स हम किसके लिए लिखते हैं, नंबर 6 के लिए लिखते हैं, और यहाँ पे अपना कार्बोहाइड्रेट है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है, तो एल्डो हेक्सोज तो इसे हम मान सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या नहीं मान सकते, ग्लूकोज नहीं मान सकते। तो ग्लूकोज कब मानेंगे, ग्लूकोज हम मानेंगे इसकी स्ट्रक्चर को देख के। तो स्ट्रक्चर है वो इसकी कुछ इस तरह से होती है, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल है, वो कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है। देन कार्बन नंबर 3 पे होता है लेफ्ट साइड, और कार्बन नंबर 4 और 5 का जो हाइड्रोक्सिल है वो होता है सेम साइड, और कार्बन नंबर 6 पे कौन होता है, CH2OH ग्रुप होता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे तो हम डिसाइड करते हैं ना कि अपना कौन सा है बनने वाला कार्बोहाइड्रेट, तो ये कौन सा अपना ग्लूकोज होता है, ठीक है। चीज समझ आई, ये कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, क्योंकि यही हम करते आ रहे हैं। देखो कार्बन नंबर 2 पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल है वो ऑलवेज यदि लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड होता है तो हम उसे कौन सा आइसोमर बताते हैं, ग्लूकोज बताते हैं। अब हमारे पास एक और भी आइसोमर बचा हुआ, बीटा साइनोहाइड्रिन। अब हम बीटा साइनोहाइड्रिन को कन्वर्ट करेंगे दूसरे किसी कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो दूसरा कार्बोहाइड्रेट वो कौन सा बनता है, यहाँ से वो चीज हम देख लेते हैं। तो देखिए जिस तरह से हमने अल्फा साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करा है, सेम जो प्रोसीजर है वो बीटा साइनोहाइड्रिन पे भी लगेगी। बीटा साइनोहाइड्रिन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखिए मैंने आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, आपको सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे फोकस करना है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे इस बार हाइड्रोक्सिल वो कहां पे, लेफ्ट साइड, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं होने वाला, बाकी एज इट इज प्रोसीजर रहेगी, सिर्फ आपको कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल है वो लेफ्ट साइड पे लेके चलना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराओगे, साइनाइड है वो कन्वर्ट किस में होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद देखिए यहां से अभी जो कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल है वो अपना कहां पे चल रहा है, लेफ्ट साइड पे चल रहा है, और जब कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पे होता है तो बना एसिड है, हम उसे कौन सा एसिड बोलते हैं, मैनोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। जब राइट साइड पे होता है ग्लूकोनिक एसिड, जब लेफ्ट साइड पे होता है तो मैनोनिक एसिड की यहां से फॉर्मेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, मैनोनिक एसिड को हीट करेंगे। देखिए सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है, बाकी पूरा नीचे का सेम है, तो हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से भी -H2 होगा। सेम वही कि कार्बन नंबर 1 से तो जाएगा हाइड्रोक्सिल, और कार्बन नंबर 4 से कौन जाएगा अपना, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। C1 से तो कौन जा रहा है, हाइड्रोक्सिल जा रहा है, एंड C5 से कौन सॉरी C4 से कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, H पॉजिटिव जा रहा है। H2O का मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होगा, और H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से फॉर्मेशन किसकी होती है, अगेन गामा इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई, जो कि अपना क्या होता है, गामा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे रिडक्शन, ठीक है। क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, स्पेस नहीं है, ग्लूकोज को मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आई थिंक सभी को पता होती है, ठीक है। तो हम मैं यहाँ से ग्लूकोज को हटा रही हूँ और यहाँ पे मैनोज लिख रही हूँ। तो देन हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन जब हम कराएंगे यहां से तो फॉर्मेशन किसकी होगी, रिडक्शन में हमें क्या करना होता है, यहां से इस वाले रिंग को ब्रेक करना होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो लिख देते हैं। चलो कार्बन नंबर 1 पे अपना कौन सा है, CHO है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देन हमें कार्बन नंबर 2 पे फोकस करना है, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल है, उसे हम कहां पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे। कार्बन नंबर 3 पे तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड होता है, कार्बन नंबर 4 पे एंड कार्बन नंबर 5 पे
कहाँ पे होता है? हाइड्रोक्सिल, राइट साइड। ठीक है, ये चीज समझ आई कि ग्लूकोज में और मैनोज में डिफरेंस कहाँ पे होता है? सिर्फ कार्बन नंबर टू पे डिफरेंस होता है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? कार्बन नंबर टू के एनोमर्स होते हैं। ग्लूकोज और जो मैनोज है वो क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं आपस में। ठीक है, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे, एक ही कार्बन पे डिफरेंस होता है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हुई। देखिए यहाँ पे मैं ग्लूकोज का भी थोड़ा सा बना देती हूँ स्ट्रक्चर, आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को, तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ये हो गई अपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज में और मैनोज में, ये तो है मैनोज और ये है ग्लूकोज। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? कार्बन नंबर टू पे है। बाकी जो नीचे का है वो तो एज इट इज लिखा हुआ है, एरेबिनोज वाला, तो आपको ये चीज भी याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको तीनों में से कोई एक सुगर याद होता है, चाहे तो एरेबिनोज याद कर लो, चाहे ग्लूकोज याद कर लो, चाहे मैनोज याद कर लो, तो यदि एक सुगर का भी स्ट्रक्चर आपको याद है ना, तो बाकी आप तीनों को ड्रॉ कर सकते हो। ये कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी अच्छी बात होती है। तो जो एरेबिनोज है, इससे हम दो सुगर्स की फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन सा? मैनोज और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। दोनों इक्वल अमाउंट में यहाँ से फॉर्म होती है। तो ये होता है अपना किलियनी सिंथेसिस। और किलियनी सिंथेसिस में हमें क्या करना होता है? एल्डो पेंटोस को कन्वर्ट करना होता है एल्डो हेक्सोस में। और यहाँ से दो एनोमेरिक फॉर्म्स मिलती हैं। कौन कौन सी? मैनोज एंड ग्लूकोज की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, जो कि दोनों ही 6 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। तो देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से हमने साइनाइड को कन्वर्ट किया होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो साइनाइड को है हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। ठीक है, हमें कराना क्या है? हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस ही कराते हैं। और जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कौन सा हाइड्रोलिसिस कराते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम यहाँ से करा रहे होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं, तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली मैकेनिज्म बताती हूँ यहाँ से कि H2O है वो किस तरह से कन्वर्ट होगा। H2O वो ब्रेक किस में होगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब देखिए जो अपना नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे क्या होता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि किसकी तरह से बिहेव करेगा? बेस की तरह से बिहेव करेगा। और बेस की तरह से बिहेव करेगा तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो आके जुड़ जाएगा। और जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ रहा है तो देखिए बनता क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन एच पॉजिटिव बनता है। कार्बन का यदि सॉरी नाइट्रोजन का यदि लॉन पेयर है उसे हमने बॉन्डिंग में यूज कर लिया तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद, और देखिए छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो कई बार बड़ा कंफ्यूज करती हैं। ये चीज आपकी रटी रटाई होती है कि जैसे ही नाइट्रोजन पे हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं लॉन पेयर से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन रीजन क्या होता है इस चीज का? तो रीजन है वो हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा जीओसी में जाना पड़ता है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि किस तरह से क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जब भी कोई एटम होता है उसमें बॉन्डिंग फॉर्म में यदि उसके आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका संख्या है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बॉन्डिंग फॉर्म में यदि आउटर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम उसे पे कौन सा चार्ज लगाते हैं? नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। और यदि आउटर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है तो हम उस पर कौन सा चार्ज लगाते हैं? पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। अब नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो लॉन पेयर में होते हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि हम काउंट करें तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इस वाले बॉन्ड में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन है वो लॉन पेयर की फॉर्म में। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं? न्यूट्रल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले हैं वो तो एज इट इज हैं, लेकिन जो लॉन पेयर था वो नहीं है। लॉन पेयर कहाँ पे चला गया? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है ना तो भले ही शेयरिंग से हुई है, चाहे एक एटम की तरफ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उस पर दोनों का जो मतलब दोनों का हक होता है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अभी एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हम किसका मानेंगे? हाइड्रोजन का मानेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो किसका मानते हैं? नाइट्रोजन का मानते हैं। तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है वो कम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गया, तो हम इस पे क्यों लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाते हैं, समझ आया? क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और यदि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स हो जाता है, तो हम कौन सा चार्ज लगा देते हैं, सिक्स नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि क्यों हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो लगाते हैं। देन हमें देखिए क्या करना है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे सूट करेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कहाँ से करेगा, कार्बन से करेगा, तो ये यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो देखिए सी डबल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन को तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई ना, इस बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ पे हो गई, कार्बन पे हो गई। कैसे हो गई, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, फोर बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार इलेक्ट्रॉन सा न्यूट्रल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे यदि देखें तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन हुए, तो वैलेंस शेल से यदि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी तक हमने H पॉजिटिव है वो यूज कर लिया, अब हम क्या यूज करेंगे, OH नेगेटिव यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन आएगा, OH नेगेटिव है वो आके जुड़ेगा, और जैसे ही OH नेगेटिव जुड़ेगा तो यहाँ से कुछ इस तरह का कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है वो फॉर्म हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, या तो यहाँ से MID की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे करा देते हैं आइसोमराइजेशन, यदि हम यहाँ पे करा देते हैं आइसोमराइजेशन, तो यहाँ से MID की फॉर्मेशन हो जाती है। किस तरह से होती है MID की फॉर्मेशन, देखिए यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो शिफ्ट करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोनिल बॉन्ड बनेगा। देन यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के नेगेटिव पे यहाँ से जो एच पॉजिटिव निकला है ये जाके जुड़ जाएगा और MID की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये केस कब होता है, जब आपको दिया हुआ था सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल, कि साइनाइड दे दिया और एक H2O का मॉलिक्यूल दे दिया, बोला है हाइड्रोलिसिस कराओ कराओ, तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, MID की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई मतलब मॉलर कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगाया गया कि कितने मॉल्स हैं वो हमें यूज करने हैं, हमें यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना होता है। ये कौन सा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हम इस स्ट्रक्चर पे अगेन एक और H2O का मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ से MID की फॉर्मेशन कब होगी, जब एक मॉलिक्यूल H2O का यूज करते हैं, देन तो साइनाइड है वो क्या देगा, MID देगा। ठीक है, साइनाइड है, यदि आपने यहाँ पे लिखा है 1H2O तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, MID की फॉर्मेशन करेगा, C डबल बॉन्ड O NH2 MID। ठीक है, और यदि आपने कराना है इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो फिर ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो दोनों केस समझ आए। तो जब हमने आइसोमराइजेशन कराया तो यहाँ से MID की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कराते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास एक और H2O का मॉलिक्यूल है, और जब एक और H2O का मॉलिक्यूल है तो देखिए अगेन नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से H पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, और NH2 पॉजिटिव की यहाँ से फॉर्मेशन होगी। हो गया NH2 पॉजिटिव, अब NH2 पॉजिटिव बन गया तो ये अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके फॉर्मेशन किसकी करेगा, देखिए COH NH2 इस तरह से, और कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सिल जोड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होने वाला है, हाइड्रोक्सिल है वो आके जुड़ेगा, और हाइड्रोक्सिल जुड़ेगा तो कुछ इस तरह का कंपाउंड है वो फॉर्म होगा। यहाँ से देखो क्या हुआ है कि एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए, और एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम वो स्टेबल नहीं होते, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे आइसोमराइजेशन, और आइसोमराइजेशन है वो जस्ट बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो आइसोमराइजेशन में हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे कि आइसोमराइजेशन जब कराएंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और आएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और यहाँ से NH3
अमोनिया गैस NH2 यहाँ से निकला, H पॉजिटिव यहाँ से निकला, अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है और रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, रिएक्शन क्यों हो रही है, रिएक्शन का जो कोज इफेक्ट है वो क्या है, यही है कि यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही होती है तो उस रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो देन हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए किसकी फॉर्मेशन हुई, सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ एच और साथ में जो अमोनिया गैस है वो यहाँ से इवोल्व हो जाती है। तो जब हम एक मॉलिक्यूल, ठीक है, हमने क्या किया, साइनाइड, साइनाइड 1H2O यूज करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, एमाइड की फॉर्मेशन होगी, और जब हम 2H2O यूज करेंगे देन यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कब यहाँ से एमाइड की फॉर्मेशन होती है और कब यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। तो ये मैंने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस है वो भी साथ में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, हमने चैन लेंथनिंग पढ़ ली, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, चैन शॉर्टनिंग पढ़ेंगे या फिर डिसेंडिंग इन एल्डोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।